Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, finally, we are starting our online classes again. First, we will do revision of Hindi. Okay? So, this is our revision of chapter 1, 2, 3 in Hindi grammar and 1 and 2 in Hindi. ठीक है, तो आपके हिंदी में पार्ट दो आ रहे हैं, पहला व दूसरा. साथ ही हिंदी व्याकरण में आपके तीन पार्ट आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, FA1 का. तो हम FA1 का ही रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वाला जो वर्क है ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है, साथ ही इसे याद भी करना है. सो पहला हमारा है शब्दार्थ. तो इनके हमारे को क्या लिखने हैं? शब्दार्थ लिखने हैं. कैसे आप राइट डाउन करोगे? पहले का वर्क आपने अपनी कॉपी में कर रखा होगा, आई होप आपने याद भी किया होगा, बट नो इशू. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बाकी वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे. साथ ही आपके पास ये बुक्स होगी, ये अपने हिंदी व्याकरण है और ये हिंदी है. तो हमारे शब्दार्थ हम हिंदी में से देखेंगे और हिंदी में हमारा पार्ट पहला और दूसरा है. पहला है मार्ग, तो मार्ग का शब्दार्थ क्या होगा? रास्ता. दूसरा है हमारा चहेती. चहेती का होगा हमारा प्यारी. बेटा, ये सारे आपको जो शब्दार्थ हैं ये आपको पार्ट पहला और दूसरे में ही मिल जाएगा. ठीक है, ये देखो येलो बॉक्सेस में जो बने हुए हैं ये सारे शब्दार्थ हैं. तो आपको ये सारे याद भी करने हैं और ये वाला रिवीजन अपनी कॉपी में करना है. निज, निज यानी अपना. सामना, सामना का शब्दार्थ होगा मुकाबला. ठीक है, फिर हमारे पास आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. हमारे को दो ऑप्शंस दे रखे होंगे एग्जाम में और जो हमारा सही है उस पर हमारे को क्या करना है? टिक करना है. ओके, सो पहला प्रश्न हमारा है, कवि अभिमान करना चाहता है. कवि किस पर अभिमान करना चाहता है? कवि अपनी आन पर अभिमान करना चाहता है. सेकंड है, अपने कार्यों, नन्ही चिड़िया डैश थी. अब नन्ही चिड़िया सफ़ेद थी या काली थी? सफ़ेद थी, तो हम सफ़ेद पे टिक कर देंगे. ठीक है, भाषा को हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं. जो आपका चैप्टर है हिंदी व्याकरण में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्रश्न उसी में से है. जो हमारा क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर में से है, भाषा और व्याकरण. तो हम भाषा क्या होती है? भाषा से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं. ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित. और व्याकरण क्या होता है? जिसमें हम भाषा को पढ़ना लिखना शुद्ध रूप से सीखते हैं. तो हम भाषा को शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं. क्षत्र, ज्ञ और श्र, ये हमारा वर्ण विचार वाला है. वर्ण यानी स्वर और व्यंजन. स्वर के कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, ये अ से औ तक होते हैं. अंग और अह हमारे अयोगवा होते हैं. क, ख, ग, ग हमारे व्यंजन होते हैं. और ये जो क्षत्र, ज्ञ, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है. तो आपसे अगर कोई पूछे कि वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. तो ये क्षत्र, ज्ञ और श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है. सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का साइन लगाइए. जो सही है उस पर हमारे को टिक करना है, जो गलत है उस पर हमारे को क्रॉस कर देना है. तो पहला हमारे पास क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है. जो भाषा है वो हमारे विचारों का आदान प्रदान का साधन है. हाँ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा हमें अपनी बात पहुंचाता है. तो हम क्या कर रहे हैं? विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं. तो ये एकदम सही है. दूसरा है, कौआ और गिलगिल चिड़िया के दोस्त थे. आपने ये होशियार चिड़िया वाली कहानी पढ़ी होगी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कौआ गिलगिल क्या है? दोनों दोस्त हैं. और वो क्या करते हैं? हमेशा चिड़िया का घोंसला तोड़ देते हैं. एक दिन चिड़िया ने अपना घोंसला कहीं और बनाया. अब जब वो अपने घोंसले की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे पीछे कौन आया? कौआ आया. तो उसे पता चल गया कि पीछे मेरे कौन आ रहा है? कौआ आ रहा है. तो उसने क्या किया? अपने घोंसले के रास्ते के बजाय कहाँ चली गई?
गिलगिल के घोंसले पे चली गई। अब वो वहाँ बैठी रही, उस कौवे को लगा कि यही चिड़िया का नया घोंसला है, तो वहाँ से कौवा चला गया और चिड़िया उड़ गई। तो जब कौवा वापस क्या आया, उधर शिकार करने आया यानी उसके अंडे फोड़ने आया, तब उसको ये नहीं पता था कि ये तो गिलगिल का घोंसला है। तो वहाँ पे वो गया और क्या किया उसने, गिलगिल का घोंसला तोड़ दिया। और बाद में जब गिलगिल को अपनी फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारा घोंसला तो कौवे ने तोड़ा है, तो दोनों इतना ज़ोर से लड़े कि दोनों ही घायल हो गए और चिड़िया का घोंसला एकदम अब सेफ रह गया। अब उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए ही हमारा पाठ का नाम था होशियार चिड़िया। तो कौवा और गिलगिल दोनों क्या थे, दोस्त थे। कौवा गिलगिल चिड़िया के दोस्त थे? नहीं, चिड़िया के दोस्त वो नहीं थे, चिड़िया के दुश्मन थे वो, तो तभी तो उसका घोंसला तोड़ देते थे, उसके अंडे फोड़ देते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारे को यहाँ पे जो जगह दे रखी है उसको हमारे को फिल करना है। कौवे ने डैश के घोंसले को खूब तलाशा। जब उसने नया घोंसला कर लिया था तो कौवे ने किसका घोंसला तलाशा, चिड़िया के घोंसले को तलाशा। किसका, चिड़िया। हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर और डैश व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 जिसको हम ऐसे लिखते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब ये जो प्रश्न उत्तर है ये आपको खुद करने हैं, अपनी कॉपी में आपको करना है। मैं आपको ओरल ही बता देती हूँ, ड्यू टू स्पेस अपने यहाँ नहीं था अभी बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको ओरल करवा देती हूँ और आप अपनी कॉपी में वर्क करें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कवि किस पर बलिदान होना चाहता है? ये हमारा पाठ पहला प्रार्थना का है कि कवि किस पर बलिदान होना चाहता है। जिस देश जाति में उसने जन्म लिया, कवि उस पर ही बलिदान होना चाहता है। सेकंड है, कौवे ने किसके घोंसले को चिड़िया का घोंसला समझ लिया? कौवे ने गिलगिल के घोंसले को चिड़िया का घोंसला समझ लिया। ये हमारे पार्ट दो का है। और आपके हिंदी व्याकरण में जो तीसरा चैप्टर है मात्राएं, उसका मैंने इसमें कोई प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन आपको मात्राएं अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी मात्राएं होती है। मात्राएं हमारे स्वर की होती है। ये वाली टेबल मैंने करवाई भी थी, अ आ ई ई उ अ की कोई मात्रा नहीं होती है, री ए ऐ ओ औ, इनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा रिविजन पार्ट था FA1 का, एंड दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर कॉपी। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।